हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो यहाँ पर है हिस्टोरियन जो थे ना, वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज़ करते थे जिससे कि वो पास्ट के बारे में पता लगा पाएँ कि डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट करते थे कि मतलब पहले के कैसे नेचर होते थे क्या। ठीक है, तो पिछले साल आपने एग्जाम्पल में पढ़ा कि जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ा और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस बुक में आप मतलब 707 सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक का इस बुक में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे कुछ कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज जो पहले यूज़ होते थे वो अभी सोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए, जो कि हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं, यानी कि जो हिस्टोरियंस पहले के जो हिस्टोरियंस जो कि पास्ट पता लगाने में जो सोर्सेज यूज़ करते थे, वो आज के भी हिस्टोरियंस वही रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। वो अभी कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सुअल रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो हिस्टोरियंस है ना, कॉइन्स पहले के सिक्के कैसे होते थे, इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो लिखा हुआ होता था। ठीक है, आर्किटेक्चर यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो पहले इमारतें बड़ी बड़ी टॉम्स बनते थे उनके बारे में, और टेक्सुअल जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं जो लोग लिखते थे, उन रिकॉर्ड्स के थ्रू ही आजकल के हिस्टोरियंस भी इन चीज़ों के थ्रू ही ना वो भी आजकल भी मतलब पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। कॉइन्स भी पता चलता है, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स से पास्ट का पता लगाते हैं। बट लेकिन कुछ देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, लेकिन ऐसी कुछ मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी भी है जो पहले यूज़ करते थे, कुछ सोर्सेज ऐसे जो अब नहीं यूज़ होते हैं। द नंबर एंड वराइट ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स के थ्रू जो पास्ट का पता लगाना आजकल के पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि आजकल के पीरियड में मतलब आज के टाइम में टेक्सुअल रिकॉर्ड से ज़्यादा पता लगाया जाता है। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, फिर मतलब वो धीरे धीरे दूसरी टाइप ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस करते हैं थ्रू दिस पीरियड पेपर, मतलब इस टाइम के दौरान पेपर जो है ना वो सस्ता होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ पेपर, तो इसमें मैं यहाँ पे देखिए इसका मतलब यही है, इतने इस पैराग्राफ इन्होंने यही कहा है कि जो है ना मतलब हिस्टोरियंस जो थे इसमें उन्होंने मतलब वो पहले जो यूज़ करते थे वही अभी यूज़ करते हैं, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है ना वो है टेक्सुअल रिकॉर्ड से ही इन्होंने बताया है। यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ पेपर, पेपर की क्या वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है इन्हें कि द फर्स्ट है इन द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी के बीच में, मिडल में, अ स्कॉलर वॉन्टेड टू कॉपी अ बुक, एक स्कॉलर था उसे एक बुक को कॉपी करना था, नाउ बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर। अब भाई बुक को कॉपी करने के लिए आप हाथों पे या फिर किसी कपड़े पे तो लिखोगे नहीं, आपको पेपर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अब एक स्कॉलर था, उसको एक बुक कॉपी करनी थी, अब उसके पास इतना पेपर नहीं था कि वो बुक को कॉपी करे, तो उसने वॉच द राइटिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, अब एक मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ था मैन्यूस्क्रिप्ट, तो उसने उसकी जो लिखावट थी ना उसको रफ़ किया। ठीक है, जो कि उसको नहीं, ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी, तो उसने उसकी राइटिंग को रफ़ कर दिया, ड्राइड द, उसको फिर उस पेपर को सुखा दिया, फिर उसको यूज़ किया। तो पहले इतनी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस थी पेपर की। सेकेंड है अ सेंचुरी लेटर, मतलब यानी कि 100 सालों बाद If you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. यानी कि 100 सालों बाद, एक सेंचुरी बाद, अगर आप मतलब यू नो आप अगर मार्केट में जाओगे ना, तो आपको जो शॉपकीपर है ना कुछ मतलब कुछ भी देगा तो वो आपको पेपर में रैप करके देगा। तो यहाँ पे है when was paper more expensive and easily available in the 13th century or the 14th century, यानी कि 13th सेंचुरी में पेपर महंगा था, 14th सेंचुरी में पेपर महंगा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर था कि थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, यानी कि इस टाइम में जो पेपर था ना वो और सस्ता हो गया और ज़्यादा अवेलेबल होने लगा। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, पीपल पेपर का किस चीज़ में यूज़ करते थे, होली, यानी कि होली क्या होता है, ट्रेडिशनल कल्चरल टेक्स्ट लिखने में यूज़ करते थे लोग इसे, किसका, पेपर को। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो क्रॉनिकलर्स होते थे जो कि कहानियाँ वहानियाँ लिखते थे, कि यानी कि रूलर कहानियाँ लिखते थे, और जो रूलर हैं जो मतलब उनकी लाइफ बायोग्राफी लिखते थे। ठीक है, पेपर पे लेटर लिखते थे, टीचिंग ऑफ सेंट, जो साधु होते थे तब के, ठीक है, प्रीस्ट जो होते थे वो जो टीच करते थे वो भी पेपर पे लिखते थे, पिटीशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना पहले पेपर पे ही लिखी जाती थी। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट, और अकाउंट और टैक्सेस के कोई रजिस्टर के लिए भी पेपर यूज़ किया जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो कलेक्ट की जाती थी
मैन्यूस्क्रिप्ट कौन कलेक्ट करता था? जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो मतलब पेपर पे लिखी हुई चीज़ें होती थी उन्हें अमीर लोग कलेक्ट करते थे, रूलर कलेक्ट करते थे, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल में कलेक्ट किया जाता था। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उन्हें लाइब्रेरी में आर्काइव्स में रखा जाता था। आर्काइव्स मैं भी आपको बताऊंगी क्या होता है। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। तो जो तब की मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना वो आजकल के हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही है, लेकिन यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। नाउ देखते हैं कि आर्काइव्स क्या होता है। तो आर्काइव क्या होता है कि अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो पहले की होती थी और मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो उन्हें स्टोर करके रखा जाता है, वो होता है आर्काइव। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। यानी कि आजकल की जो नेशनल स्टेट है ना, मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर नेशनल गवर्नमेंट है, उनकी भी आर्काइव्स होती हैं जहाँ पे वो अपने पुराने ट्रांजैक्शन या फिर रिकॉर्ड्स को रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे है कि देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तब प्रिंटिंग प्रेस ना ही प्रिंटर तब तो होते नहीं थे, क्योंकि तब वो मिडिलवल पीरियड था, तो तब तो प्रिंटिंग प्रेस ना ही प्रिंटर होते नहीं थे। तो स्क्राइब्स जो थे, जो लिखने वाले थे मैन्यूस्क्रिप्ट को, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हाथ से ही लिखते थे। तो सोचो कितना मुश्किल होता होगा बुकों को लिखना उस टाइम पे। तो इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। आपने अगर कभी भी अपने फ्रेंड का अगर आपने होमवर्क कॉपी किया है तो आपको पता होगा कि बहुत मतलब आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग। कभी कभी आप अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग भी समझ नहीं पाते हो। एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन, मतलब आप बोलते हो ना कि ये बताओ क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब पहले सोचिए कि लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी पढ़ने में भी, अगर किसी की राइटिंग समझ नहीं आ रही तो पढ़ने में कितनी दिक्कत होती होगी, है ना। आजकल के हिस्टोरियंस को बहुत पढ़ने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर है, एज अ रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। मतलब तो एज अ रिजल्ट, मतलब यहाँ पे ये बताया कि आपके फ्रेंड्स, मतलब कि अगर आप फ्रेंड का होमवर्क कॉपी करोगे तो आसान काम नहीं है। तो पहले के लोग जो स्क्राइब्स थे वो कितनी मुश्किल से पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, और अगर आप भी कॉपी करोगे तो आपको मतलब बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, फ्रेंड के काम में आपके काम में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। तो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग आर समवॉट सिमिलर, मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज सम, यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो कॉपी करते थे वो भी आपके होमवर्क की तरह ही है। ठीक है, एज जो स्क्राइब्स थे जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस एंड स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर, यानी कि वो भी छोटे छोटे चेंजेस को मतलब इंट्रोड्यूस करते थे कि यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा चेंज है, यहाँ सेंटेंस चेंज है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेज होते थे ना, वो सेंचुरीज तक ग्रो करने लगे ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द एंड सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर। यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना सेम टेक्स्ट की, वो एक सालों तक उनका मतलब, उनका बनावट, उनकी हर चीज़ उनकी डिफरेंट हो गई। ठीक है, दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। क्योंकि हमको बहुत मुश्किल से मतलब किसी भी ऑथर की बहुत मुश्किल से मैन्यूस्क्रिप्ट, ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना वो बहुत मुश्किल से मिलती थी। हम लोग टोटली डिपेंड करते हैं कॉपीज पे, मेड बाई लेटर स्क्राइब, जो स्क्राइब कॉपीज़ बनाते थे हम उस पर हम डिपेंड करते हैं। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस जो थे ना, एज अ रिजल्ट जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें अलग अलग टाइप की मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता था। देखिए मतलब जैसे सालों पहले कोई भी लिखी गई है मैन्यूस्क्रिप्ट उसका मतलब कुछ और है, फिर बाद में कई सालों बाद उसका मतलब कुछ और हो गया। तो हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्टी आती थी मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने में। ठीक है, कि मतलब ऑथर ने क्या मतलब असल में उसका मतलब उसने क्या लिखा समझाया है उस मैन्यूस्क्रिप्ट में। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज द क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम, यानी कि जो कोई भी ओकेजन होता था तो ऑथर्स क्या करते थे, वो अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे। जो 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी जो थी, उन्होंने अपना क्रॉनिकल पहली बार लिखा 1356 में, और दूसरा क्रॉनिकल उन्होंने लिखा 2 साल बाद यानी कि 1358 में। ठीक है, याद रखिए कि 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर कौन थे, जियाउद्दीन बरानी थे। ठीक है, द टू डिफर फ्रॉम ईच ऑफ अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन इन अंटिल द 1960s, इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। यानी कि जो दोनों थे ना, इनको मतलब जो हिस्टोरियंस को नहीं पता था कि इनकी फर्स्ट वर्जन भी कोई क्रॉनिकल है, इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज, यानी कि जो लाइब्रेरी की कलेक्शन थी जो आर्काइव्स है उनमें उनका कोई भी फर्स्ट क्रॉनिकल नहीं थी। नाउ इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। फिगर वन के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है कि अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि ये किसकी पेंटिंग है, ये एक स्क्राइब की पेंटिंग है। स्क्राइब कौन होता है, जो कि लिखता है।
तो ये स्क्राइब की पेंटिंग है जो कि क्या कर रहा है, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी कर रहा है। दिस पेंटिंग इज़ ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर इन साइज़। ये जो पेंटिंग है ना, ये जो बनाई गई है इस आदमी की पेंटिंग, ये 10.5 सेंटीमीटर लेंथ से 7.5 सेंटीमीटर ब्रेथ है साइज़ में। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट्स कॉल्ड अ माइनेचर, यानी कि इसकी साइज़ की वजह से ना इसको छोटी पेंटिंग कहा जाता है, माइनेचर पेंटिंग। ठीक है, माइनेचर पेंटिंग वर समटाइम्स यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। दे वर सो ब्यूटीफुल दैट लेटर कलेक्शन ऑफन टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट द माइनेचर्स। यानी कि मतलब पहले की जो माइनेचर पेंटिंग थी ना, बहुत सुंदर तरीके से बनाई जाती थी और लोग कुछ बेचते भी थे। नाउ यहाँ पर फिगर टू के बारे में देखिए, यहाँ पे ये आपको कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट दिख रही होगी, तो फिगर टू के बारे में क्या कहा है, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में कि डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। यानी कि अगर पर्शियन की हैंड राइटिंग अलग है, अरेबिक की अलग है, तो अलग अगर उसकी राइटिंग अलग होगी ना, तो दोनों का में आपको डिफिकल्टीज आने लगेंगी। द नस्तालिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट इज कर्सिव एंड ईजी टू रीड, द शिकास्ट्री ऑन द राइट इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। यानी कि देखिए जो ये वाली है ना, ये वाली राइटिंग कौन सी लेफ्ट में जो है, कौन सी क्या लाइन नाम है इसका, है नस्तालिक। तो ये वाली जो है नस्तालिक जो राइटिंग है ये ईजी है रीडिंग में, लेकिन जो ये वाली है ना ये थोड़ी हार्ड है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। देखिए इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे भी अगर आपको आती नहीं होगी लैंग्वेज, लेकिन इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें जो है सही से समझ में आ रहा है एक एक मतलब जो है। ठीक है, नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जल्दी से हम आपके सेवन्थ क्लास के हिस्ट्री को जल्दी से कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट मैथ्स का सब्जेक्ट भी ले आऊँगी। थैंक यू सो मच।